कांके थाना क्षेत्र इलाके के मुरुम गांव में दिवाली के दिन कुएं से एक शव बरामद किया गया था, जिसकी पहचान उजमा खातून पति निसार अंसारी के रूप में हुई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया था। पोस्टमार्टम होने के बाद परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार कर थाने में न्याय की गुहार लगाते दिखे। थाने में मृतका की बेटी सहित मृतका के पिता ने आवेदन किया, जिसमें पिता के द्वारा बताया गया पैसे के खातिर मृतका को काफी प्रताड़ित किया जाता था और 2 महीना पहले ही 50,000 रुपए की मांग की गई थी। नहीं देने पर उसके साथ मारपीट की जाती थी। वहीं मृतका की नाबालिग बेटी ने भी बताया उसके पिता पैसों के खातिर बुरी तरह मारपीट किया करते थे और पिछली रात भी मां के साथ मारपीट की थी। परिजनों ने आरोप लगाया है पति निसार अंसारी के द्वारा अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर कुएं में शव को ठिकाने लगा दिया। पुलिस ने परिजनों से बयान लेकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है, उसके बाद ही पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। हादसा हुआ उस दिन, मैं आपको रात में सुबह में भी लड़ाई किए थे और रात में भी लड़ाई कर रहे थे। छोटे छोटे बात के लिए हमेशा लड़ाई करते हैं। अगर कल बोले थे ज़्यादा बोलेगी तो जान से मार देंगे। हमेशा छोटा छोटा बात के लिए लड़ाई करते थे। नाना हमें पैसा दे के जाते थे तो उसे छीन लेते थे। अम्मी नहीं देती थी पैसा तो मारने लगते थे, बोलते थे पैसा दो वरना जान से मार देंगे। हमको भी देते थे पैसा, हमसे भी छीन लेते थे पैसा। हमेशा छोटा छोटा बात के लिए लड़ाई करते थे। क्या नाम है तेरा? सानिया परवीन। दवा भी रख लिए और ये जो है लड़की बेचैन रहते थे, हरदम गाली गलौज करता था और अभी फिलहाल बोला कि नहीं तुम अपने माए के यहाँ चल जाओ। बाकी जो ये सब कुआ में डाला नरती दबा के, जब हम लोग यहाँ आए कोई खबर नहीं दिया गांव वाला, उसका भाई भी नहीं। पता चला तो हम लोग आए देखे कि कुआं से निकाल के अपने से दूसरा का अंगना में दूसरा के घर में रखे हुआ था। कुआं कुछ दूरी में था ना, कुआं पर कोई हम लोग जा सके, जब अपने से निकाल के रखा तो उसका देखे कि गला दबाल जैसे गला उला कुछ दाग उठा। तो माने हम लोग गए तो कोई यहाँ थाना भी नहीं आया और पोस्टमार्टम में भी नहीं गया कोई, वहाँ का कोई नहीं गया। प्रात वहाँ का लोग देख लेंगे ऐसा वैसा, तो हम अपना लड़की को लाने के चलते मैयत को शांत करके निकाले वहाँ से। और कौन कौन